कंडक्टर मोटोमोटिव वंस अगेन। एंड आज ये है पल्सर का जो है 150 UG, इसका टोटल एक वर्क अराउंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या मिलता है, क्या कुछ आप इस बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसका ऑन रोड प्राइस भी अगर क्या है अब अगर लेने के सोच रहे हो। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये सबसे सस्ती 150 CC का बाइक है इन द सेगमेंट, मतलब दूसरे बाइक्स में का जहाँ पे आपका 100 रूम प्राइस जितना होता है, इसका ऑन रोड प्राइस उससे भी कम है, मैं आपको बताऊँगा। तो लेकिन उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू श्री बोकोट ऑटो सर्विस जो कार्तिक में है। आप अगर वेस्ट बंगाल कोलकाता पे हो या लाइक कोलकाता सॉरी आप वेस्ट बंगाल डायमंड हार्बर या कुल्की एरिया में हो तो आप डेफिनेटली ये विजिट कर सकते हो शोरूम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, आप यहाँ पे आ सकते हो कोई भी बजाज रिलेटेड बाइक के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस बाइक का फ्रंट प्रोफाइल से। तो ये जो बजाज पल्सर है, इसका जो लुक है, ये कभी चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर ये जो फेस है ये कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि इसका सिग्नेचर है, काफ़ी फेमस एंड पॉपुलर भी है। इसे आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये लाइक पायलट लैम्प है जो स्टार्ट करने पे चेंज होता है, पर हाँ कोई LED का यूज़ नहीं किया है, फुल हेलोजन सेटअप है। तो आपको ये पूरा हेलोजन बल्ब मिल जाता है, यहाँ पे हेलोजन जो है वो पायलट लैम्प मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर वो भी लाइक हेलोजन भी मिलता है। क्योंकि इस बाइक में जब से लॉन्च हुआ था बैक इन 2007 या 2008 तब से लेके आज तक ये जो इसका लुक से कोई चेंजेस नहीं किया है बजाज ने, यानी काफ़ी फेमस बाइक भी है, लाइक लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, आप लोग ऑलमोस्ट एफोर्डेबल बाइक भी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको है आपका एक वाइजर मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक वाइजर मिल जाता है जो सेमी ट्रांसपेरेंट है, फिलहाल यहाँ से दिख नहीं जाएगा क्योंकि ब्लैक लग रहा है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपको चारों टर्न इंडिकेटर ब्लैक मिलता है, यहाँ पे आपको रेड का कुछ ग्राफिक यूज किया, तो इसके ऊपर ये है कि ये पूरा ग्लॉसी कलर के साथ है। हाँ, लॉन्च होने के बाद चेंज नहीं किया, मतलब थोड़ा बहुत एकदम चेंज किया है कंपनी ने, पर इसे इसका लुक से सेम रखने की कोशिश किया गया। तो यहाँ पे इसका एक स्प्लिट सीट वर्जन है, फिलहाल वो अभी यहाँ पे है नहीं, तो नहीं मैं दिखा दूँगा वहाँ पे। यहाँ पे स्प्लिट सीट का भी एक एडिशन फिलहाल नहीं है, 125 है वो। तो यहाँ पे ये हेलोजन देख सकते हैं, यहाँ पे सामने में नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे एक सामने का फंडा है, और यहाँ पे भी एक्सटेंशन जो है ये यहाँ पे देखिए कार्बन फाइबर पैटी के यहाँ पे एक्सटेंशन किया गया, आपको शायद दिख रहा होगा, ये काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइन किया है, आपको पारिस में सेफ्टी के लिए सेफ्टी यानी ये जो डिज़ाइन किया है वो काफ़ी अच्छा है पानी वानी के लिए, और यूजुअली हम वहाँ पे लगाते हैं गार्ड रबर गार्ड पानी की वजह से। तो ये फ्रंट गार्ड का ये टेलीस्कोपिक फॉग सस्पेंशन मिल जाता है आपको, फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, और रियर में जो है हाइड्रोलिक वाला नाइट्रो सस्पेंशन मिल जाता है। एंड ये जो ब्रेक है सामने में, इसमें आपको 150 CC है, ये सिंगल चैनल ABS की साथ ही है, इसका एक डुअल डिस्क वेरियंट भी है, फिलहाल वो शोरूम में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है ये 160 mm का डिस्क ब्रेक है सिंगल चैनल ABS के साथ, यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। अलॉय आप देख सकते हैं 17 इंच का अलॉय है, और टायर सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे C8 का टायर दिया गया है, और टायर सेक्शन 80x100 17 इंच का C8 का टायर दिया गया, मतलब आपको सामने में 80x100 17 इंच सेक्शन का टायर मिल जाता है। तो इस साइड में आपको टैंक देखिए, टैंक के ऊपर भी ग्राफिक्स किया गया है, काफ़ी लाइक पल्सर का स्टिकर दिया गया है, और यहाँ पे रेड और ग्रे कलर के साथ काफ़ी ग्राफिक्स किया है जो काफ़ी अच्छा है। टैंक का जो एक्सटेंशन है वो तो लाइक काफ़ी स्पोर्टी टाइप से आपको ये सामने की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है, जो काफ़ी और अच्छा लग रहा है इस बाइक में। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको डुअल हॉर्न मिल जाता है, लाइक यहाँ पे और एक है, यहाँ पे एक डुअल हॉर्न मिल जाता है, और ये लेग गार्ड है, यहाँ पे इंजन कॉल दिया गया, तो इंजन कॉल के ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ किया, तो पूरा बॉडी में आपको बहुत सारा ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया हुआ है इस बाइक में। तो यहाँ पे ये इंजन है, इंजन जो है 150 CC का है, AL कूल्ड है, सिंगल सिलेंडर ऑब्वियसली है, 2-valve इंजन है, और इसमें 5-speed गियर बॉक्स के साथ आता है। तो गियर का जो पैटर्न है वो 1-down-4-up है, मगर इसका जो गियर्स है पोजिशन आप देख सकते हैं, जो ये भी वही इसमें भी कोई जो मॉडर्न गियर शिफ्टिंग है वो उसमें चेंज नहीं किया है। ये साइड स्टैंड आपके देख सकते हैं, यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कटअप का टेक्नोलॉजी यहाँ दे दी है, क्योंकि वो अभी मैंडेटरी हो गया, तो अभी BS6 के सारे बाइक्स में वो आ रहा है, स्कूटर्स में भी वो आपको देखने मिल जाता है, सेंटर स्टैंड मिल जाता है। अभी जो फुट प्लेट देख सकते हैं ये उतना लाइक प्रीमियम, क्योंकि इसमें ये आपको सबसे सस्ता मिलता है, ठीक है, तो दूसरे बाइक पर जहाँ पे 100 रूम प्राइस होता है उसका इतना ऑन रोड प्राइस है, तो उसमें आपको कंपनी बहुत जगह पे कॉस्ट कटिंग किया है, क्योंकि होना भी चाहिए वरना इतना प्राइस में आपको नहीं मिल सकता ये। तो इस में तो टैंक की बात करते हैं, तो टैंक कैपेसिटी आपको 13 लीटर का मिल जाता है, 13 लीटर का टोटल टैंक कैपेसिटी है, और जो यूज़र क्लेम करता है इसका माइलेज वो है
40 km की उस आसपास आपको 40-45 के आसपास आप उम्मीद कर ही सकते हो 150 सीसी बाइक के हिसाब से। ठीक है, मैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सेम है जो बाइक पहले इसमें पूरा एनालॉग हुआ करता था, अभी जो उसके बाद चेंज किया है जो सेमी डिजिटल वही है। इसमें आपको टैकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे डिजिटल में यहाँ पे आपको ये हाई बीम है, लो बीम है, ये टर्न इंडिकेटर का सारा टर्न इंडिकेटर है, न्यूट्रल का है, ये हाई बीम है, एबीएस का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लो फ्यूल कॉच है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, यहाँ पे ऑडोमीटर है, और कितना यहाँ पे बटन ट्रिप ए मिल जाता है आपको, और एवरेज ट्रिप 2 ट्रिप मीटर मिलता है, 2 ट्रिप मीटर मिलता है, एडिशनल कुछ नहीं। यहाँ पे ये डैशबोर्ड यहाँ पे भी थोड़ा स्पेसिफिक क्योंकि हाइजर की वजह से यहाँ पे दिया गया है, और बहुत ही ऑर्डिनरी क्योंकि आप चाबी देख सकते हैं यहाँ पे लाइक इतना कुछ चाबी आपको हेवी और चाबी नहीं मिलता इस गाड़ी का। और स्विच गियर्स की मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पे आपको पार्ट स्विच मिल जाता है, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, और नीचे हॉर्न भी मिल जाता है आपको, और इस सेट में इंजन स्टार्ट स्विच, इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट स्विच दोनों मिल जाते हैं। मिरर जो है वो भी आपको सेम है क्योंकि इसमें उतना स्टाइलिश मिरर का यूज़ नहीं किया है, वही सेम जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं एन एस है, यहाँ पे N250 है, फिलहाल N250 मिरर है नहीं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो मिरर का है। और साइड पैनल में देखिए, आप साइड पैनल में भी यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स फिलहाल है नहीं, मगर इसमें देखिए यहाँ पे आप ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे थोड़ा मैट है, ये ग्लॉसी है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और ये क्लियन फुट पैक है, ये भी रबर के है, उतना कुछ खास नहीं है, ये लेडीज फुट रेस्ट है और साड़ी गार्ड दोनों ही कह सकते हैं। और ये है रियर सस्पेंशन जो है हाइड्रोलिक नाइट्रोक्स वाला सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे डुअल मोनोशॉक नहीं मिलता है। और चेन जो है इस गाड़ी का, इसमें कवर चेन मिलता है, मतलब लाइक यहाँ पे ओपन चेन आपको नहीं मिलता, ये कवर चेन है। और यहाँ पे एक रियर मडगार्ड टाइप दिया गया है जो कि लाइक उतना नहीं है, उतना लाइक पतला हल्का पतला सा, उसका हार्ड नहीं है उसका वो, लाइक फिर भी आपको प्रोटेक्शन दे देगा क्योंकि ये बेसिकली दिया जाता है बारिश में या कीचड़ कीचड़ को सेफ्टी के लिए वो दिया जाता है। तो और रियर टायर में मैं आ जाता हूँ तो रियर सेक्शन यहाँ पे 100x90 7 इंच, यहाँ पे 17 इंच का C8 का टायर दिया गया, 17 इंच का हुई है, तो दोनों ही टायर आपको लाइक C8 का मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर। रेडियल तो है नहीं यहाँ पे, रेडियल टायर नहीं दिया गया है क्योंकि इस सेक्शन में रेडियल नहीं आता। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 150 का स्टिकरिंग किया गया है, यहाँ पे इस ग्राफिक्स के साथ यहाँ पे 150 का स्टिकरिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजर जो है ये भी इसका स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें ग्रेजर में आपको सिंगल ग्रेजर मिलता, स्प्लिट ग्रेजर नहीं मिलता, आप देख सकते हो ग्रेजर जो है सिंगल मिल जाता है। और भी पल्सर का सिग्नेचर वाला टेल लैम्प 2 स्ट्रिप वाला, ये आपको LED टेल लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे आपको टेल लैम्प जो है LED मिल जाता है। बहुत सालों से यहाँ पे पल्सर ने आपको LED टेल लैम्प दे रखा है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है अगेन, और ये रियर फेंडर जो है ये काफ़ी लाइक फाइबर मटेरियल्स का है, और यहाँ पे भी एक बल्ब मिलता है। पर ये ब्रेक जो है ना वो स्टार्ट होने पे ही ऑन होता है, ठीक है, लाइक जो अदर्स बाइक्स में आप देख सकते हैं कि इग्निशन ऑन होने पे वो रेड लाइट जल जाता है, पर यहाँ पे नहीं है। और रियर सेक्शन यहाँ पे आपको ये साइलेंसर देख सकते हैं, ये भी लाइक काफ़ी रिफाइन इंजन हो गया है अभी, इसके साइलेंसर में बहुत सारा चेंजेस किया है प्रीवियस की तरह। और यहाँ पे ये जो है ये RLP है, और रियर ब्रेक मिल जाता है आपको लाइक 130mm का ड्रम ब्रेक है, ये ड्रम वेरियंट है तो ड्रम ब्रेक मिलता है 130mm का, और ये RLP है, रियर लिप प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं क्योंकि ये भी सेफ्टी के लिए काम करता है। बजाज का हर एक बाइक में आपको डुअल एबीएस नहीं मिलता है, जो 150cc एंड अबव बाइक है, पर आपको रियर में RLP जरूर मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा काम करता है आपके लिए सेफ्टी के लिए। और इंजन में ही आपने आपको देखिए यहाँ पे आपको किक का ऑप्शन भी दिया गया है, और ये आपका ब्रेक पैड है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको एक गार्ड मिल दिया गया है ताकि आपका पैर फिसल के आपको साइलेंसर के गर्म पाइप के ऊपर ना चला जाए। ये ट्विन स्पार्क इंजन है जो बजाज का दे सकते हैं, बजाज DTSI पावर जो बजाज का पेटेंट टेक्नोलॉजी है वो दिया गया, ये लेग गार्ड है। और ये मटेरियल काफ़ी लाइक उतना हीट एंड फिनिश देखिए यहाँ पे कुछ लूज हुआ है, तो ये ग्राफिक्स के साथ पूरा दिया गया है गाड़ी में। और इसमें आपको कुछ मॉडल की यहाँ पे आपको फ्री में पल्सर मिल जाता था, यहाँ पे अभी स्टिकर में दिया गया है, कलर भी 30 मीटर का मैंने बता दिया। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी लाइक उतना कुछ ऑर्डिनरी है, तो बेसिकली बाइक का प्राइस जो है ना 1,34,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है,
हालांकि लाइक मैं आपको अगर आपको बताऊं कि इन द सेगमेंट में सबसे 150 cc 160 की सेगमेंट में सबसे सस्ता 150 cc का बाइक है वो है ये वाला। अब अगर एक 150 cc का बाइक होंगे जो जिसमें आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाता है, 150 cc का पावर भी मिल जाता है, पावर की बात मैंने करना किया नहीं, पावर तो इसमें आपको नियर अबाउट 13 PS का पावर और वही 13 Nm का नियर अबाउट टॉर्क मिल जाता है। एग्जैक्ट पावर फिगर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डिस्प्ले में दिख रहा होगा, वहाँ से देख सकते हैं। डुअल हॉर्न आपको मिल जाता है। अभी मैं आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि इसका हेडलाइट फिट जो है ये AHO तो है पर ये क्या है ना हेलोजन दिया गया है, और ब्रेक लाइट जो है वो भी आपको अभी ऑन, ये अभी इग्निशन तो हुआ तो अभी ऑफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सिग्नेचर वाला जो टेल लैम्प है बजाज का सीरीज का, हर एक सीरीज में आपको यही सिग्नेचर टेल लैम्प मिलता था। हाँ, उसके ऊपर डिजाइन में चेंज होता है पर यही मिल जाता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें अभी वो वाला स्टार्ट का आप साउंड सुन सकते हैं, इसमें वो ट्रेडिशनल वाला जो 150 cc का जो उतना पंची लाइक है नहीं, बस स्मूथ है, रिफाइनिंग आप देख सकते हैं उतना इसका आपका जो एक दो साउंड सुन सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इंजन का भी साउंड सुना देता हूँ। आप इंजन का भी अगर साउंड देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ नॉइज नहीं आ रहा क्योंकि एक रिफाइन बहुत स्मूथ साउंड आपको यहाँ से मिल जाता है। और हेडलाइट यहाँ पे ऑन हो जाता है, मैंने बताया था कि यहाँ पे आप देखिए दोनों पायलट लैम्प और हेडलैम्प सेटअप सब पूरा हेलोजन वाला होता है। ये हाई बीम पे है, अभी ये लो बीम है, हाई बीम आप देख सकते हो जो लाइट से। तो ये था इस बाइक से रिलेटेड ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था, और कुछ जानकारी चाहिए इस बाइक के रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। और क्या जानकारी चाहिए आपको इस बाइक के रिलेटेड मैं आपको डेफिनेटली वो पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो जवाब दे दूँ। और ओवरऑल यही था आज के वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको पसंद आया होगा, वीडियो से आपको वो जानकारी मिल गया होगा जो आपको चाहिए था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और जब मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, हर एक बार बताता हूँ कि जब भी आपको टू व्हीलर राइड कीजिए अपना राइडिंग जरूर करना। थैंक यू।